मेरा अबू 7 साल पहले फौत हो गया। मेरी अम्मी ने सब्जी बेचना शुरू कर दी, तो फिर मैं स्कूल जाती थी, मेरी अम्मी ने स्कूल छुड़वा दिया, तो फिर घर का खर्चा नहीं चलता था। मेरी अम्मी कहती है कि आप भी कोई काम करना शुरू कर दो, तो फिर मैंने पापड़ बेचना शुरू कर दी। हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, ये तमाम बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड हैं। इन तमाम बच्चों को स्कूल तक लाने में हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक एक बच्चे को हम घरों से स्कूल तक लेके आए। जब ये बच्चे स्कूल आने लग गए, स्कूल के अंदर हमारे पास बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं थी जो हम बच्चों को दे सकते। फिर इस्लामिक रिलीफ वाले हमारे पास आए, उन्होंने हमें आगाह किया अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। इस्लामिक रिलीफ ने ये हमारे जो मसाइल को हल किया। पहले वो जिस तरह वो स्कूल नहीं आते थे, बुक्स मिलने के बाद, बैग वगैरह मिलने के बाद बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो रेगुलर स्कूल आने लगे और हमारी तादाद में खातिरखा इजाफा हुआ। जिन बच्चों के वालदैन इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते थे कि वो कमा के लाएंगे और उनके घर का खर्चा चलेगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए वोकेशनल सेंटर कायम किए, ताकि इनके माँ बाप और इनके बहन भाई यहाँ आएं और स्किल सीखें और अपनी कमाई का ज़रिया खुद बनाएं और इन बच्चों से काम ना करवाएं और इन बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें ताकि वो तालीम हासिल कर सकें।